नमस्कार, मैं रोज। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम धन्य, सौभाग्यशाली या ब्लेस्ड हो सकते हैं। ब्लेसिंग को लेकर सभी को एक पर्सनल व्यू होता है, या यू कहे कि हर इंसान का ब्लेसिंग उसकी जरूरतों के हिसाब से परिभाषित होता है। किसी के लिए पैसा सौभाग्य का कारण, तो दूसरे के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर, तो किसी के लिए बच्चे, अच्छे माता पिता का मिलना, अच्छा एजुकेशन, अच्छा जॉब या सक्सेस, ऐसे कई लिस्ट होते हैं। जीसस ने भी ब्लेस्ड लोगों का एक लिस्ट दिया है और बताया है कि सौभाग्यशाली होना क्या होता है, या यूं कहो कि सौभाग्यशाली होने वाले व्यक्ति का रवैया, उनका एटीट्यूड क्या होता है। इस वीडियो को देखते हुए आज स्वयं को जरा परखे कि क्या आप में भी सौभाग्यशाली होने के लक्षण है या नहीं, और अगर आपको स्वयं परखने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो अपने पार्टनर्स या अपने करीबी लोगों से पूछे, उनका मूल्यांकन बिल्कुल सही रहेगा। पुराना नियम का आखिरी वाक्य एक कर्स के साथ खत्म होता है, और फिर 400 से अधिक साल की एक लंबी परमेश्वर की चुप्पी का समय। जिन्हें इस चुप्पी के बारे में और गहराई से जानना है, वो मेरे वीडियो ब्रेकिंग द साइलेंस को जरूर देखें। और इस लॉन्ग गैप के बाद जीसस की एंट्री और उनके मिनिस्ट्री का शुरुआती संदेश, ब्लेसिंग्स, Matthew 5:3-10, जिसे हम धन्य वचन या बीएटीट्यूड भी कहते हैं। वैसे आप लोगों को पता तो होगा ही कि Matthew 5:6-7 को सर्मन ऑन द माउंट या पहाड़ी उपदेश भी कहते हैं। यह जीसस का सबसे लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस टीचिंग है, या यू कहो कि क्रिश्चियनिटी का रियल एसेंस है ये चैप्टर्स। आप लोगों के एक जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि प्रकाशित वाक्य में भी धन्य वचन का जिक्र है, जिसे हम द 7 बीएटीट्यूड्स ऑफ द रेवलेशन भी कहते हैं। तो शुरू करते हैं मत्ती के लिखे 8 धन्य वचनों से। इसे पढ़ने और समझने से पहले इन 8 धन्य वचनों को एक सीढ़ी की तरह इमेजिन करें। हर एक बीएटीट्यूड आपको इस सीढ़ी के नेक्स्ट स्टेप में लेकर जाएगी, और एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते हम 8वें तक पहुंचेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पैसे की कमी वाली गरीबी नहीं, स्पिरिट की गरीबी, एक ऐसा कंडीशन जब हमें समझ में आता है कि खुदा के बिना हम कुछ नहीं है। ऐसा कंडीशन जहां हम अपने लाइफ के छोटी से छोटी चीज के लिए परमेश्वर पर आश्रित हो जाते हैं, और सीढ़ी के पहले स्टेप में चढ़े बिना हम दूसरे में पैर नहीं रख सकते। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की जरूरत अपनी लाइफ में नहीं समझ सकते, तब तक हमारे अंदर वो शोक नहीं आ सकता जिसका जिक्र नेक्स्ट वचन कहता है। दुनिया की चीजों का शोक नहीं, बल्कि अपने पापी होने का शोक, रिपेंडेंस, पश्चाताप के आंसू, दिल से एक पुकार कि पिता मैं एक पापी, मुझे बचा ले। और यही रिपेंडेंस, यही शोक हमें नम्र बनाता है, जो कि नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि जब तक हम ये नहीं महसूस करेंगे कि हम पापी हैं और पिता की ब्लेसिंग ही है जो आज हमें उनके सामने खड़े होने के लायक बनाती है, तब तक हम बस लोगों को जज करते रहेंगे। कहेंगे, देखो उससे तो मैं ही भला हूँ, मैं तो कम से कम रोज बाइबल पढ़ता हूँ, वो तो महीने में सिर्फ एक बार पढ़ता है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, और वो बस इतना ही करता है। मगर जरा जीसस का ग्रेस अपने लाइफ से एक मिनट हटा कर देखे तो पता चलेगा कि मैं भी पापी, और आप भी, और वो भी। और इस बात का ज्ञान हमें नम्र बनाता है, क्योंकि अच्छा वाला या बुरा वाला पापी, या बड़ा वाला या छोटा वाला पापी कुछ नहीं होता। ग्रेस को हटाकर देखे तो सभी एक से ही लगेंगे। और ऐसे नम्र हुए व्यक्ति को एक ही भूख होती है, वचन की भूख, धार्मिकता की भूख, अपने लाइफ के इस एम्प्टीनेस को वचन से भरने की चाह, होली से और होली बनने की चाह। अब बुराई की ओर कोई आकर्षण नहीं, बल्कि पिता की इच्छा को जानने और करने की प्यास। और वचन कहता है, धन्य वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और पहले के 3 वचन ये कहते हैं कि धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जिस दिन आपने परमेश्वर पर नजरें गड़ाई और मसीह को अपने जीवन का प्रभु माना, स्वर्ग राज्य में आपकी एंट्री हो गई। और अगला वचन कहता है कि धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। और जो दिल की गहराई से ये जान जाता है कि वे पापी हैं, और इस शोक को दूर करने शांति का राजकुमार खुद उनके पास आ जाता है। धन्य वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हम्बल व्यक्ति लोगों के दिल में जगह पाते हैं। हम्बलनेस के बहुत सारे फायदे आपको प्रोवर्ब्स में मिलेंगे। और अगला स्टेप है दया।
इतने स्टेप्स चढ़ते ही हमारे अंदर दया का भाव आ जाएगा, क्योंकि हम पर भी दया की गई है। अच्छा, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मगर छोड़ो, माफ कर देते हैं क्योंकि यीशु ने मुझे माफ किया है। अच्छा, कोई बहुत नीड में है, उसके पास हेल्पिंग हैंड बनकर पहुंचते हैं, क्योंकि जीसस ने हमें हमारे नीड में कभी अकेला नहीं छोड़ा। और वचन कहता है, धन्य वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। और ऐसे मन का सारा मैल निकल जाएगा, बिल्कुल शुद्ध मन, ना किसी से बैर, ना कड़वाहट, ना क्रोध, ना जलन। और वचन कहता है, धन्य वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। और परमेश्वर से रूबरू हुआ व्यक्ति फिर चुप बैठ ही नहीं सकता, जहां अवसर मिले वो यीशु की गवाही देता है और वो मेल करवाने वाला बन जाता है। परमेश्वर से दूर गए लोगों को परमेश्वर से वापस जोड़ने की एक कड़ी, गॉस्पल का एक कैरियर। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस। और लास्ट है, धन्य वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और हम सभी इस चीज से वाकिफ है कि मेल कराने वालों को अधिकतर सताव से गुजरना पड़ता है, मगर फिर भी जुबान में पॉल जैसी कुछ बातें होगी। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पल बिकॉज इट इज द पावर ऑफ गॉड फॉर सेल्वेशन, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ। क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन, ना स्वर्गदूत ना प्रधानताएं, ना वर्तमान ना भविष्य, ना सामर्थ्य ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि पहला और आठवां धन्य वचन का ब्लेसिंग का वाक्य सेम है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। सीढ़ी की शुरुआत का लक्ष्य भी वही और अंतिम डेस्टिनेशन भी वही, स्वर्ग राज्य। और ऐसे 8 बीएटीट्यूड्स खत्म हुए। आप अगले वचन को पढ़ेंगे तो एक अंतर समझ में आएगा कि इन आठों में धन्य वे का प्रयोग हुआ है, मगर नेक्स्ट में जैसे जीसस टर्न होकर पर्सनली बोल रहे हो, धन्य हो तुम, और फिर तुम शब्द का प्रयोग, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। और ऐसे एक अगला सीरीज स्टार्ट होता है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। चलिए, इसी के साथ मैं रोज़ विदा लेती हूँ। खुश रहे, बाइबल पढ़ते रहे, मसीह से जुड़े रहे और अपने अंदर ब्लेस्ड एटीट्यूड लाते रहे। मसीह आप सभी की मदद करे। धन्यवाद।